एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी में राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहराइच दंगा करवाया, ये कहा तो उसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए अपराधी माफिया और गुंडों के अखिलेश यादव को सरकार बता दिया। और देखिए बहराइच में प्रशासन के सख्त एक्शन से हिंसा की आग तो बुझ गई, लेकिन अभी इस पर जो जारी सियासत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको दिखाते हैं अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है। बहराइच में हिंसा की जो आग धधकी थी उसकी लौ तो जल्द ही शांत हो गई, लेकिन बहराइच पर पॉलिटिक्स जारी है और कुछ लोग उस राख में आग की लौ ढूंढकर उसे जिंदा करने की साजिश रच रहे हैं। बहराइच में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र पर काला धब्बा था, जहां किसी खास संप्रदाय के लोगों ने राम गोपाल नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद बहराइच में जमकर बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। बहराइच हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बहराइच वायलेंस पे आपने कहा कि बीजेपी ने वहाँ पे दंगे कराए, बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी का ही ऐसा फितरत है, समाजवादी पार्टी हर चीज में ऐसे वायलेंस ढूंढती है। देखिए हम और आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपका कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। जो घटना में शामिल थे या जिस तरह के बीजेपी माहौल बना रही है पूरा प्रदेश जानता है, इनफैक्ट पूरा देश जानता है, क्योंकि चुनाव था इसलिए दंगा कराया गया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आखिर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था? जीरो टॉलरेंस हम किसको माने? जीरो टॉलरेंस में प्रशासन क्या कर रहा था? और फिर अगर उनकी गलती नहीं थी तो आपने चौकी इंचार्ज को क्यों हटाया? सीओ पे कार्रवाई क्यों की आपने? आपने पीड़ित परिवार की मदद का आश्वासन क्यों दिया? इसका मतलब गलती आपकी थी ना, आप अपनी गलती से भाग नहीं सकते हैं। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को गुंडों के सरदार तक कह दिया। श्री अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका, गुंडे, अपराधी, माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार है। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का हाथ होता है। बहराइच हिंसा को लेकर जहां एसपी और बीजेपी एक दूसरे पर अटैक कर रही है, इसी बीच बहराइच हिंसा के बाद मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सुरेश्वर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के नेता ने अपने कुछ समर्थकों के साथ उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की और फायरिंग भी की। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने जिन सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है उनमें नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव का भी नाम शामिल है। विधायक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी की। अब ये देखना अहम होगा कि योगी सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने